उम्र 8 साल, बच्ची का रेप, आरोपी पड़ोसी, 10 टुकड़े कर बेरहमी से भी मार डाला। जी हाँ, प्रदेश में अपराध किस कदर बढ़ रहा है इसकी एक और वानगी देख लीजिए। उदयपुर में 8 साल की बच्ची के रेप के बाद 10 टुकड़े कर बेरहमी से मर्डर करने का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची 4 दिन से लापता थी। परिजन बच्ची को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। 4 दिन बाद घर से 200 मीटर दूर खंडर में उसके शव के टुकड़े पड़े मिले। पुलिस ने उन्हें इकट्ठा किए और पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर के MB हॉस्पिटल ले गई। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि पुलिस ने शव मिलने के 24 घंटे बाद ही मामले में खुलासा कर दिया। बच्ची की हत्या का आरोपी पड़ोसी निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में SP विकास शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची को बहुत निर्मम तरीके से मारा गया है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। देखिए, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और काफ़ी पार्ट्स में बॉडी को काट दिया गया था। और अभी जो सामने आया है पूछताछ में, एक सेक्सुअल असॉल्ट की भी पुष्टि हो रही है इस बात को लेके। शाम को बच्ची को प्रलोभन देके उसके द्वारा बुलाया गया था और ये सब कार्रवाई की गई। ये जो घटना स्थल के पास ही उसका घर है, उसी के अंदर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी स्कूल ड्रॉप आउट है, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, घर पे ही है। नहीं, ये सब तो बिल्कुल ये बात फैक्चुअल नहीं है। सर, वो गेम खेलने का भी एडिक्ट था क्या, ये भी एक कारण हो सकता? मोबाइल गेम 10 समय उसके द्वारा खेला जा रहा था, और इसके बारे में और पूछताछ करने के बाद डिटेल चीज़ सामने आएगी कि इस मोबाइल गेम खेलने का इससे कोई लिंक है कि नहीं है। बट जिस समय उसने बच्ची को किडनैप किया, उस समय ये कोई एक मोबाइल गेम खेल रहा था। सर, कहाँ पे उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, मारा कहाँ पे, और फिर वो सब वो जो घटनास्थल है जहाँ बॉडी फाइनली मिली है, वो और उसका घर रोड के आमने सामने है। तो उसने अपने घर में ये कृत्य किया और घर में करने के बाद इस चीज़ को जी घर में उसके पेरेंट्स थे, लेकिन घटना के समय अभी तक तो सामने आया है। बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन उसके माँ बाप के रोल के बारे में की जाएगी। अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यदि उनका भी रोल आएगा तो उनके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो चूँकि अर्ली इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए ऑथेंटिकली तो नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि डिस्पोजल करने के लिए इसको इस तरह का शेप उसने देने की कोशिश की थी। सर, इसकी गुमशुदगी भी दर्ज थी? और नहीं, गुमशुदगी नहीं, मुकदमा दर्ज था। लड़की का मुकदमा दर्ज था। तो सर, वो पड़ोस में ही रहता था, उसके वहीं थी वो लड़की, तो भी पुलिस पड़ोस तक भी नहीं पहुंच पाई। पड़ोस में जो बिल्कुल चेक किया है, वहाँ पे बॉडी को पहले ही उन्होंने छुपा के रखा हुआ था, उसके बाद उसको डिस्पोज किया है, तब पुलिस को पता लगा। पुलिस को कैसे आइडिया लगा कि ये आरोपी है? हमारे सूचना तंत्र की मदद से, और जो हमारे वहाँ पे लगातार हमारे जवान हैं और हमारे अधिकारी हैं जो लगातार कैंप करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे थे, उसी के दौरान ये सूचना आई, जिसको फिर बाद में वेरीफाई करके चेक करके इस घटना को खोला गया है। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। मृतक बच्ची के चाचा का कहना है कि हत्यारे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे ऐसी घटना ना हो। उन्होंने मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और सरकार से मुआवजे की भी मांग रखी। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है। उदयपुर की 8 साल की बच्ची की लाश मिली है उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर। उसके परिवार वालों ने पिछले 4 दिन से, 28 मार्च को उसके परिवार वालों ने उदयपुर के मावली इलाके के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आप खुद सोचिए, 4 दिन से जो रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई है, उस पर क्या पुलिस ने सच में कार्रवाई की? अगर पुलिस कार्रवाई करती तो सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर उस बच्ची के लाश के टुकड़े मिले हैं, तो क्या पुलिस ढूंढ नहीं सकती थी? इतनी निकम्मी और इतने ढीले काम के साथ में अगर पुलिस काम करेगी,
आज उस बच्ची की हत्या की जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी है, मैं ये समझती हूँ। 8 साल की बच्ची, जिसमें रिपोर्ट में लिखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं या तांत्रिक एक्सपेरिमेंट के चलते हुए शायद बच्ची को किडनैप किया गया और फिर उसको मार दिया गया और उसके जो शरीर के टुकड़े हैं वो अलग अलग हिस्सों में एक उसके घर से 200 मीटर की दूरी पे खंडर में मिले हैं। अगर पुलिस 4 दिन पहले से जाग करके इस केस पे काम करती तो आज वो बच्ची बच जाती, उस बच्ची की जान बच जाती। मैं सीएमओ से मांग करती हूँ कि इस केस को फास्ट ट्रैक पर डाला जाए और उस बच्ची के घर वालों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, उनको ढूंढ करके पहले तो पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे ताकि इस तरह की घटनाएं हमारे प्रदेश में वापस ना हो। ये बहुत ही शर्म की बात है। गौरतलब है कि महिलाओं और युवतियों के प्रति यौन अपराध के मामले में राजस्थान ने देश में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान रखने वाले प्रदेश के लिए ये आंकड़े शर्मिंदगी वाले हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान रेप के मामले में देश में पहले नंबर पर है। गहलोत साहब तो अपने सुशासन की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन इस तरह की घटनाओं को देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि वाकई राजस्थान में सब ठीक है? राजस्थान तक के लिए उदयपुर से महेंद्र बासरोटा की रिपोर्ट।